वक्त मैं जहूराबाद विधानसभा में मौजूद हूँ और जहूराबाद विधानसभा पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के जो विधायक हैं सरकार बनाते हैं सरकार गिराते हैं सरकार बनाते हैं सरकार गिराते हैं, बहुत बड़ी उनकी नाम है। और आप हमारे शायकीन सुनने वाले समझ गए हैं लोग हैं कि राजभर साहब हैं वो इस क्षेत्र से यहाँ के विधायक हैं, लेकिन यहाँ की मूल समस्या क्या है, मैं गुजर रहा था देखा चाय खाने में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और ये शाम का वक्त है, जब चाय खाने में लोग बैठ करके अपनी बातें हर जगह के रहने वाले लोग हैं और जो सपना देखा गया था आज से 2014 के वर्ष में लोगों ने देखा था और ख़ास तौर पे रामदेव बाबा ने आदरणीय प्रधानमंत्री ने ऐसा सपना दिखाया था कि हर व्यक्ति ये सोचने लगा था कि अब महंगाई ख़त्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और यहाँ जितनी ईमानदारी राम राज कायम हो जाएगा, कितना राम राज कायम होगा, कितना क्या हुआ है, मूल समस्याओं से कितना यहाँ पे लोगों को निजात मिली है, मैं खुद यहाँ जानना चाहता हूँ। किसी बैठे हुए उनसे पर्चे लेते हुए साफ देख रहा हूँ, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। अदो जी, तो आप बताइए कि हाँ मूल समस्या क्या? देखिए जहूराबाद की, तो जहूराबाद में 12 चोर की मूल समस्या ये है कि हॉस्पिटल को सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए। एकांगी हॉस्पिटल है जिसमें हर डॉक्टर सुलभ नहीं है, यह इस क्षेत्र के जीवन से जुटी हुई बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है बिजली जो है अबाध गति से नहीं चल रही है, जिसके कारण किसानों की खेती बाधक है। तीसरी समस्या ये है कि सरकार तो किसानों के ट्यूबवेल के बिल पास की है, लेकिन वही किसान जिनके पास अपनी निजी बोरिंगें नहीं है चला रहे हैं, तो यहाँ का जीआई बहुत प्रताड़ित करता है किसानों के, टांग टूंग कर सारे सामान को ले जाना, मतलब जो भी प्रताड़ना के कई प्रकार हैं, एक सरकारी प्रकार है जिसको हम सब नहीं व्याख्या कर सकते, उसका भी यूज करता है। और तीसरी बात, इस जहूराबाद को अमेरा लमेरा से नहीं हिंदुस्तान जानता है, सरजू पांडे इस सरजमी के क्रांतिकारी पुरुष थे जिन्होंने जेल में 100 कोड़े खाए थे और 50 कोड़े लगने के बाद उन्होंने डीएम से कहा था कि पर मारोगे और यहाँ से 8 सीट जीत कर गए थे, तो नेहरू को बोलना पड़ा संसद में कि उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का कौन सा वो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, जिसकी वजह से जहूराबाद माने पूरी कांग्रेस सारी और जीती है। तो और सरजू पांडे की वजह से जहूराबाद को जाना जाता है, कहने का मतलब ये है। और आप लोग तो पत्रकार हो भाई, गए गुजरों को भी जो है यूनो का अध्यक्ष बना देंगे, यूनो के अध्यक्ष को ले करके गांव में गाड़ देंगे, इससे ये होता है। और मूल समस्या हमारी ये है कि गोदामों पर खाद किसानों को ठीक से मिले। दूसरी बात, जो ये कांटे लग रहे हैं जो सरकारी रेट से खरीदने के लिए, ये कांटे सही ढंग से काम नहीं करते, जिससे किसानों को बहुत कठिनाई तो यहाँ तक होती है कि 10-5 बीघा वाला किसान सांसे नहीं करता है वहाँ ले जाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस खाद के बारे में बात किया आपने, 2014 में जो खाद की बोरी की दाम थी, क्या उतने ही दाम है, कम हो गया है? देखिए थोड़ा सा मैं अर्थशास्त्री हूँ, 80 में एक बोरी गेहूँ पर 2 बोरी डाई मिलती थी, एक बोरी गेहूँ पर 1 बोरी डाई मिलती थी, गेहूँ और डाई का मूल्य करी करी समानांतर था, 150 का अंतर था, ठीक है ना? चूंकि उस समय हमारे खेत आराम में थे, कंपोस्ट खादों का हम प्रयोग करते थे, तो कम मैंने लागत में हमारी फसल ज़्यादा हो जाती थी। अब चूंकि हम वैज्ञानिक युग में आ गए हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, तो डाई यूरिया का भी जो कम किया है सरकार, उसका वजन घटाया है, यह गलती है। दाम कम भी किया है? नहीं, दाम नहीं कम किया, उसका वजन घटा दिया, यह सरकार की गलती है। गलती है, दाम कम किया, दाम अधिक है, वो दाम कम भले करे लेकिन उसका वजन घटा दे। आप किसान है, मैं जानना चाहता हूँ, दाम अधिक किया, अधिक दाम अधिक किया, अधिक वजन भी कम किया, वजन भी कम, यानी आपको दोनों तरफ से मारा, दोनों तरफ से मारा। सही, आपका शुभ नाम भैया? शिव शंकर राम जी, है कि आपकी मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या जो भाई साहब बता गए हैं वही है, वही है और कुछ नहीं, आपके इमाम कोई ऑप्शन नहीं है? अरे बहुत समस्या है, महंगाई तो चरम सीमा पर है। अच्छा, क्या यही वादा सरकार ने किया था आपसे? नहीं, वो तो सबका साथ सबका विकास कहा था। अच्छा, तो पूरा नहीं हुआ? कुछ नहीं पूरा हुआ, कुछ नहीं हुआ।
रविंद्र सिंह यादव। अच्छा। ग्राम प्रधान नसीराबाद। अच्छा। हमारा भावर कुल ब्लॉक पड़ता है। अच्छा। हमारे यहाँ रास्ता की भी बहुत समस्या है। अच्छा। कोई भी सरकार और कोई भी मतलब कि सांसद होता है, रास्ता ही नहीं बनता है। अच्छा। हम लोगों के गांव में आज भी मोटरसाइकिल नहीं जाती है, गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा। कोटवा नारायणपुर मार्ग से सरदारपुर के लिए 1.5 किलोमीटर रास्ता है। अच्छा। इतना धंसा हुआ है। मस्त जी सांसद थे, उनसे बार बार कहा गया, ये ओम प्रकाश जी तो कभी इसमें जाते हैं कभी उसमें जाते हैं, तो कोई ठिकाने नहीं है, नहीं इनसे मुलाकात हो पाती है। अच्छा। यही भावरकुल ब्लॉक की रास्ते की बहुत मतलब की खराब समस्या है। हमारा गांव कोटवा नारायणपुर लठूडी मार्ग से सरदारपुर मतलब की पड़ता है। अच्छा। हाँ, वहाँ जाने के लिए रास्ता एकदम बिल्कुल है ये नहीं है वहाँ के। हाँ, 1.5 किलोमीटर वहाँ के हम प्रधान हैं, तीसरी बार लगातार हैं, लेकिन गांव में एकदम मतलब कि गली खड़िंजार सीसी सब पक्का करा दिए हैं, लेकिन ये रास्ता तो हमारे बस का है नहीं। सांसद विधायक जब तक नहीं है तो करेंगे। हम सारे लोगों से बार बार यही कहते हैं, आज भी आए हैं सांसद जी से वही चीज़ पैड पर लिख करके। विधानसभा में आता है वो जहूराबाद विधानसभा। हमारे ग्राम पंचायत में 4 गांव है, सरदारपुर नसीराबाद जहूराबाद में आता है और तालखुदिया महेशपुर मोहम्मदाबाद में आता है। एक ही जैसे ग्राम पंचायत का 4 गांव है, दो तो ठीक है मेन रोड पे है, मजा लेते हैं कि कुछ नहीं हो पाता है, वही हमारी समस्या है। आप देखिए सब और लोग बैठे हुए यहाँ पे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या नाम पड़े भाई साहब? जयशंकर गिरी। जयशंकर गिरी जी, जी जी, यहाँ की समस्या क्या है? समस्या तो आज बहुत दिनों के बाद आप जैसे मीडिया, आपको धन्यवाद देता हूँ हमारे पास आने के लिए। समस्या तो जहूराबाद की ये जर्जर है कि आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ पॉलिटिकल जो जहूराबाद को संभाले। सुरेंद्र सिंह हुए, उसके बाद सदा फातिमा जी कुछ की, और एक आप जो नाम रख रहे थे जो प्रियंका चाचा का, ये तो विधायक दोनों पार्टी से होकर के और जहूराबाद को इतना लूटने का काम किया आदमी कि हमारे खारे शिवालय पर 48 लाख रुपया उनके फंड से आया था जी। और उस फंड का पैसा का पता ही नहीं चलने दिया आदमी कि 48 लाख रुपया कहाँ गया। अच्छा। खारा शिवालय पर जो पैसा आया था। अच्छा। अब इसी तरह से पूरे जहूराबाद में कोई एक काम उस आदमी का नहीं दिखाई दे रहा है जी। और यहाँ का विधायक कभी चेहरा भी नहीं दिखाई देता है, अब क्या कल्पना किया जाए हमारे जैसे गृहस्थ आदमी। आपके ख्याल में कौन सा काम यहाँ अधिक होना चाहिए? सरकार से हम अपनी माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ की मुख्य समस्या तो ये हॉस्पिटल है, 16 पाउंड का हॉस्पिटल है। अच्छा। यहाँ आज एक भी जात में कोई श्रेष्ठ नहीं रहते हैं। अच्छा। कोई रसना के हैं तो कोई कादीपुर के हैं तो कोई लठूडी के हैं, सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। और हम लोग केंद्र पर, ब्लॉक के केंद्र पर हम लोगों का गांव है खारा, जैसी समस्या डेली सुनने में आता है कि 5 मरीज आए हैं, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो कोई गाजीपुर गया, तो कोई मऊ गया, तो कोई बनारस गया, तो गरीब आदमी दिक्कत में पड़ता है सर। और यहाँ के प्रतिनिधि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, यही समस्या है, मूल समस्या है इसका। ये सब और बैठे हुए श्री कृष्ण कुमार गौतम। क्या आपका भी समस्या क्या है? जी हाँ, समस्या बहुत है। समस्या ये है कि यहाँ जहूराबाद कंस्टिट्यूएंसी में जो है बाराचौर प्रेस पर जो है ये हॉस्पिटल की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है, और विधायक के रूप में अगले वर्ष भी ये चुने गए थे समाजवादी पार्टी से, रिलायंस से, लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस जहूराबाद को। जो पहले के विधायक थे वो तो कुछ किए लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए, ना आज भी मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, है ना, और सरकार में रहते हुए भी ये जहूराबाद पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए साहब, क्या छूट गया है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब भी लगता है कि रजिस्ट्री ऑफिस में रिटेन करके लिखाता है कि मैं यही रहूँगा। सरकारी हॉस्पिटल का अमीर आदमी व्यवस्था ले लेता है, गरीब सरकारी हॉस्पिटल में जाने को तैयार नहीं है। अपने बच्चों को गवर्नमेंटेड के इतने अच्छे टीचर आए वहाँ भेजने को तैयार नहीं है। वो जो CBSE बोर्ड SSC बोर्ड है ऐसे मैंने वहाँ भेज रहे हैं। अब तो हमको लगता है कि गरीब एक शब्द रह गया, नारा रह गया, वास्तविकता कुछ भिन्न हो गई है। चलिए देखिए एक साहब और हैं, आपका नाम? वीरेंद्र जगदीश है सर।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जहूराबाद में, क्या आपके यहाँ हमारे यहाँ मूल समस्या है आवागमन की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की। इतनी बड़ी समस्या है कि पूर्वांचल में कोई समस्या नहीं है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो बात जहूराबाद से गुजरती हुई बिहार को जोड़ती है, इसे तत्कालीन सांसद से इलाके के लोग मांग करते रहे कि जो ट्रेन का साधन है इसके सड़क के पूरे पूर्वांचल के किनारे अगर रेलवे लाइन बिछा दिया जाता तो एक बीच से लिंक हो जाती, लखनऊ होते हुए दिल्ली चली जाती, तो लोगों का दोनों पटरी पर आमने सामने जो भीड़ बढ़ रही है ये भीड़ कम हो जाती और लोगों को सुविधाएं भी मिल जाती, बिहार से कनेक्टिविटी हो जाती। और सबसे बड़ा, यहाँ अभी रोडवेज बस यहाँ नहीं चलती है, कोई सरकारी संसाधन नहीं है जिसके साधन आप पकड़ करके कहीं आप बाहर जा सकते हैं कोई भी आपातकाल में। यहाँ किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, पूरी जहूराबाद में कोई मंडी नहीं है। यहाँ का किसान जो छोटा किसान है अपने गल्ले को, अपने सब्जी को एक कहाँ ले जा करके बेचेगा, आज भी कोई साधन नहीं है। स्वास्थ्य का हालत इतना खराब है कि भवन तो सरकार कमीशन के नाम पर भवन तो बनवाया लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति 400 भी नहीं कर पा रही है और मानदेय पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है और उसमें भी नियुक्ति में भी घोटाला है, उसमें पारदर्शिता है नहीं। अभी ये शिक्षकों का देखे और प्रमाण है, कोर्ट ने माना कितने लंबे करने के बाद भी तो। और शिक्षा की बहुत समस्या है, पूरे जहूराबाद विधानसभा में कोई राजकीय पीजी कॉलेज नहीं है। अब इंटर कॉलेज राजकीय पूरी जहूराबाद में एक भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। प्राइवेट विद्यालय की फीस सबसे ज़्यादा है। गरीबों को शिक्षा से आसानी से सुनियोजित तरीके से सरकारी सुविधाओं से दूर रखा जाता है और जो प्राइवेट फीस है उसकी आप हालत देख ही रहे हैं, उसकी शुल्क क्या है। तो सरकार स्वास्थ्य देना नहीं चाहती है, शिक्षा देना नहीं चाहती है, महंगाई से छोटे छोटे मजदूर किसानों को जान ले रही है। तो स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, शिक्षा भी से भविष्य खराब हो रहा है, आवागमन की सुविधाएं नहीं है, तो पूरी जनता तबाही है। यहाँ हम लोग क्या है, एक विधायक है, नाम बड़ा है दर्शन छोटा, ये अपना घूम घूम बोर्ड लगवाते हैं और कहीं भी गांव में अपने बर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी सड़क का कभी इनको उद्घाटन करते आपने देखा है, कभी आपने देखा है तो बता दीजिए। कोई पुल का निर्माण कराया है, कोई सड़क का निर्माण कराया है, कोई उद्योग धंधे के लिए बात किया है, केवल इस आदमी को जात धर्म और नफरत समाज में बैमनेस फैलाने के अलावा इस यहाँ के जो विधायक है उसका कोई काम नहीं है। कभी इसके जुबान में विकास नाम का कोई चीज आती नहीं है। ये कहता है कि वहाँ जो लोग भाजपा में जाते हैं इनकी जुबान की कोई कीमत नहीं कि भाजपा में लोग चापलूस रहते हैं। अभी जाकर क्या करते हैं, बाप बेटा परिवार मिल करके कोई इन लोगों का विकास है सरकार ने, विकास के नाम पे कभी इनकी जुबान खुली है सदन में, कभी नहीं खुली है। तो इस बार जनता जागरूक हो चुकी है, जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ लोग परेशान, यहाँ पे लोग और भी हैं, कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं हमसे, एक साहब और भी देखिए साहब, रामकृत राजभर। हाँ राजभर जी, तो आप तो पुराने आदमी हैं, राजभर हैं, कहिए आपके यहाँ समस्या खास तौर पर क्या है। देखिए समस्या तो जहूराबाद में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ नहर हम लोगों के यहाँ बन गई है, अच्छा, लेकिन जब किसानों के पानी का समय आता है तो इस नहर में पानी नहीं रहता है। आज तक नहर में सही ढंग से कुलावा नहीं बना है, अच्छा, कि पानी निकास हो सके फसल के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की यह, उसके बाद शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, यह बहुत बड़ी समस्या है। इस संबंध में मंत्री जी से आप लोगों ने कहा, राजभर जी से? मंत्री जी से तो हम लोग नहीं कहे हैं, नहीं कहें, नहीं हम तो नहीं कहें, आप नहीं गए, क्षेत्र के लोगों ने तो कहा होगा, क्षेत्र के लोगों ने आते हो तो कि नहीं आते, आते कि नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं, कभी कभार आते हैं। देखिए बोलो भैया जरा, चलो आपसे कहना पड़ेगा, हमारा नाम पड़ेगा रविकांत गुप्ता जी। कही कि क्षेत्र की समस्या क्या है? क्षेत्र की समस्या बहुत बड़ी है। देखिए सबसे बड़ी चीज, यहाँ नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए। जब तक की सरकार बहुत बड़े बड़े वादा की थी कि नौजवानों को रोजगार देंगे, ये जहूराबाद क्षेत्र का सबसे बड़ा चीज़ की एक कताई मिल है जो बहुत पहले से, हम लोगों के जन्म से पहले से चलती आ रही है कताई मिल, जो कि अगर जो वो चालू हो जाए, सुचारू रूप से सरकार
जो कि डबल इंजन की सरकार कह रही है अपने आप को कि मैं डबल इंजन का सरकार हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस पर ध्यान दिए होते अगर जो चालू हो गया होता तो हमारे जैसे नौजवान लगभग लगभग 20,000 की आबादी में वहाँ पर कार्यरत हो गए होते, तो यहाँ से जहूराबाद का कुछ तो भला हो गया होता। इसी तरह से और भी लोग कुछ ना कुछ किए होते, लेकिन 10 बरस से जो बन गए हैं इनसे पहले सदाब फातिमा जो विकास की जननी, सैयदा सदाब फातिमा जो कि यहाँ से विधायक रही हैं, शायद जहूराबाद में जो उन्होंने करा दिया 10 बरस से सरकार जब इनकी 2017 में बनी जोगी जी की, तो उसमें कैबिनेट मंत्री बने और तुरंत वहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर चले गए। फिर इधर आ गए, इधर आने के बाद गठबंधन किए चले गए, जब सरकार इधर नहीं बनी तो फिर उधर चले गए। वहाँ जाने के बाद वही लालीपाप लेकर घूम रहे हैं, अभी भी उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उसी के लिए भगे हैं और कोई सुनवाई नहीं है इनका। ये युवा एक और भी राजेश कुमार यादव हैं, राजेश कुमार यादव। आप युवा हैं, आपकी अभी क्या यहाँ पे कमी है? हम लोग बस सबसे पहले तो रास्ते की समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। योगी जी बीजेपी के पास कुछ मुद्दा है नहीं। मुद्दा क्या है? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, भारत की जो हमारी 14 सरकार बनने से पहले जो आप युवाओं से वादा किया गया था उस वादा में कितना सफल रही है? 0%। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। तो अभी क्या किया जाए, सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, सरकार सबको लुभावना दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है। अच्छा, उससे काम चलेगा गरीब आदमी का? बेरोजगारी है इतना। और है जी, मेरा नाम सोनू यादव है। अच्छा। जी मैं एक युवा हूँ, मैं युवा के बारे में बात करूँगा। ये सरकार जब मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो बोले थे मोदी जी खुद अपने मुंह से बोले थे भाषण में कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवा को। उन्होंने रोजगार छीना है, एक भी रोजगार नहीं दिया। जो भी पेपर होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है। आज तक जो भी पेपर हुआ है पेपर आउट हुआ है, और आर्मी को उन्होंने अग्निवीर बना दिया। आज एक भी युवा रोड पे नहीं देखेंगे उसको। सभी युवा लोग हताश हो चुके हैं, एकदम बेरोजगारी में फंस चुके हैं। आप बताइए क्या करेंगे युवा लोग? तो सरकार वादा किया था, मोदी जी भी वादा किए थे, योगी जी भी वादा किए थे। आज पुलिस की भर्ती 6 साल के बाद पेपर होने जा रहा है। इससे पहले 6 महीना पेपर हुआ था, वो पेपर आउट हो गया था, इसमें सरकार की चाल थी। फिर आज 6 महीने के बाद पेपर होने जा रहा है, 23 तारीख पेपर स्टार्ट है। अब देखे कैसे पेपर होता है। युवा लोग एकदम परेशान है सरकार से, एकदम परेशान है।